अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूँ शफीक गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शफीक गुल बहावलपुरी। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ दरिया सतलुज पर, और सतलुज रिवर के ऊपर बनाया गया है उसके बारे में पूरी आपको मालूमात दूंगा। उसका कब ये पुल बना था, इसमें क्या अवामिल शामिल थे, इसकी क्या ज़रूरत थी बनाने की, और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, और ये ब्रिज जो है किन किन शहरों से हमें ज्वाइंट कर रहा है। जी दोस्तों, ये है दरिया सतलुज पर बनाया जाने वाला इम्प्रेस ब्रिज, जिसको आप देख सकते हैं। जी ये ब्रिज 1878 में तामीर किया गया था। इसका इफ्तिताह सर एंड्रयू क्लार्क ने 1878 में किया था। इसकी टोटल लंबाई 4200 फुट है। 1926 में इसकी रेनोवेशन और अपग्रेडेशन की गई थी इस ब्रिज की। 1926 में रेनोवेशन अपग्रेडेशन की गई थी। इसके जो छोटे छोटे फॉल्ट्स थे वो रिमूव कर दिए गए थे और इस ब्रिज को जो है थोड़ा सा अपग्रेड किया गया था। 3 साल बाद 1929 में ये लाइन डबल कर दी गई। उससे पहले जो है ये सिंगल लाइन चलती थी घोटकी तक, तो फिर इसको लाहौर के लिए भी 1929 में बना दिया गया था। नवाब सादिक साहब का ये दौर था, और ये जो पिलर बने हुए हैं आप देख सकते हैं, ये जो पिलर एक पिलर से दूसरे पिलर का जो फासला है ये 250 फुट है। एक पिलर जो है, यानी कि जो दूसरा पिलर उसके बाद जो दूसरा पिलर है तो वो 250 फुट उसका फासला है। 20 फरवरी 1878 यहाँ पर एक हौलनाक वाकया पेश आया था, और एक कश्ती थी इसी जगह पर तकरीबन, ये जो पुल के नीचे ये जो एरिया है ये मैं आपको उंगली से मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कश्ती में जब इसका काम हो रहा था तो एक कश्ती में 40 मुसाफिर सवार थे, तो वो कश्ती अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भंवर में फंस गई थी, और उसमें 40 सवार जो मज़दूर थे वो सब के सब जाँ बहक हो गए थे। और पुल को 1878 में खोला गया, और इसका रबता कोटरी और मुल्तान से मिला दिया गया, यानी कि मुल्तान उस वक्त हमारा मेन जंक्शन होता था, और मुल्तान से कोटरी यानी कि हैदराबाद से आगे जो कोटरी का स्टेशन है वहाँ तक लाइन को जॉइंट कर दिया गया। इम्प्रेस ब्रिज को लाहौर से कराची के लिए 1899 यानी कि 1889 में खोल दिया गया था। दोस्तों ये बड़ा तारीखी पुल है, और ये ब्रिटिश एम्पायर की एक और ज़बरदस्त, यानी ये हम पे एहसान समझ लें, उन्होंने ये ब्रिज बनाया है। पाकिस्तान में जितने भी ब्रिजेस हैं, रेलवे ब्रिजेस हैं, इस तरह का मिलता जुलता जो ब्रिज है वो दरिया सिंध पर बना हुआ है, जो एक लाइन रोड़ी से टर्न होती है जैकबाबा जाने के लिए, तो वहाँ इस तरह का एक ब्रिज बना हुआ है, उसको कैंची पुल के नाम से भी पुकारा जाता है। वो भी अंग्रेज़ों ने बनाया था, और उसका नीचे कोई पिलर नहीं है। उसकी स्पेशलिटी ये है उस ब्रिज की कि वहाँ उसके नीचे कोई पिलर नहीं है, वो ऐसे ही बग़ैर पिलर्स के बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से उसको ठहराया गया है। तो दोस्तों ये आप इसकी आप देख लें बायोग्राफी, और मज़ीद मैं मेरा चक्कर कभी लगेगा रोड़ी वाली साइड पर तो मैं इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जी दोस्तों, मैं अब इम्प्रेस ब्रिज के थोड़ा और करीब आ चुका हूं। ये आप देख सकते हैं जी ब्रिज का खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों ये IVSR ये एक एब्रीविएशन है रेलवे की, तो ये वो इस्तेमाल होती है। ये IVSR जो इम्प्रेस ब्रिज थी उसको 1886 में दूसरे रेलवेज़ के साथ मिला दिया गया। इम्प्रेस ब्रिज जो है सतलुज दरिया पर बनाया जाने वाला पहला तवील पुल था। यानी उस दौर में 1878 में ये पुल बना था, तो उस दौर का ये सबसे तवील पुल होता था, यानी कि पाकिस्तान का। और 1876 में जब इसका काम ख़त्म हुआ, तो अब ये सुने इसमें क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ था उस दौर में। 50,000 टन पत्थर, 4600 टन लोहा पुल की बनावट के लिए इस्तेमाल हुआ। उसके अलावा 6000 टन स्लीपर्स, जो स्लीपर्स नीचे स्लेव्स बिछाई जाते हैं पुल के ऊपर, और 6000 टन स्लीपर्स, 15000 टन दूसरा मटेरियल रॉ मटेरियल इस पे लाया गया था इसकी बनावट के लिए, 20000 टन बजरी,
इसमें इस्तेमाल हुई थी ये वाली सारी चीज़ें ये पुल को बनाने के लिए। इस अजीम और तवील इम्प्रेस ब्रिज के लिए इतना ज़्यादा सामान लाया गया और ये पुल तामीर हुआ। और इसमें जो एक जो है सानिया हुआ था 40 मज़दूरों वाला, वो भी मैंने आपको बता दिया है। 40 मज़दूर यहाँ पर पानी में कश्ती में डूब के जान बहक हो गए थे। और इस हैवी काम में 30 दिन और रात मुसलसल काम किया गया। मगर बदकिस्मती से एक और यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, सैड इंसिडेंट कह लें, जो यहाँ पर हुआ है वो 12 फरवरी 1877 को गैर यकीनी और तेज़ सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर, यानी पुल का काम हो रहा था तो इसी दरियाए सतलुज में तेज़ सैलाब आया अचानक, और इसमें जो है सारा कुछ जो पुल का काम हो रहा था वो सारा दरहम बरहम हो गया और पुल टूट फूट का शिकार हो गया। इसको दोबारा बहाल करने में तकरीबन 10 दिन और मज़ीद लग गए थे। इसका इफ्तिताह जी 7 जून 1878 को एक ट्रेन जिसमें 22 बोगियां थीं। अब ये देखें कितना प्रोटोकॉल दिया गया ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से इस पुल को। 7 जून 1878 को एक ट्रेन जिसमें 22 बोगियां थीं लाहौर से शाम 8:15 पर रवाना हुई। वो स्पेशल अदावान के लिए ट्रेन आनी थी। उसे 5:30 पर सुबह 5:30 पर मुल्तान रोक दिया गया। फिर उसे 1 घंटे के लिए आदावान रोक दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है इनॉग्रेशन की तैयारियाँ हो रही थी। आदावान इसका समझ लें एक जॉइंट स्टेशन था, यानी कि इससे पहले वाला, तो वो ये पुल आदावान पुल के नाम से भी थोड़ा सा मशहूर है। और वहाँ आदावान स्टेशन पर जो है सारा इंतज़ाम हुए थे, इसके इफ्तिताह की तैयारियाँ हो रही थी वहाँ पर। तो आदावान रोक दिया गया जी, जहाँ ज़बरदस्त तरीके से बैनर लगे हुए थे अब उन घरों को जो करीब घर थे उस दौर में, उनको सजाया गया था झंडियों से। मुख्तलिफ़ जो इनाग्रेशन के अप्रेटिस होता है उससे उन घरों को सजाया गया था। ये इम्प्रेस ब्रिज का इफ्तिताह का दिन था। इम्प्रेस ब्रिज जो आप देख रहे हैं दरिया सतलुज पर बनाया जाने वाला तवील पुल, ये उस दिन इस पुल का इफ्तिताह था जी। तो इसका इफ्तिताह जी सर एंड्रयू ने किया था, एंड्रयू क्लार्क ने किया था जी। सर एंड्रयू क्लार्क ने वाइसराय के बिहाफ पर, और क्वीन विक्टोरिया ने इसकी इजाज़त दी थी कि इस पुल का नाम एम्प्रेस ब्रिज रखा जाए। तो जी जो उस दौर की विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने कहा था, परमिशन दी थी, या उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि इस पुल का जो नाम है एम्प्रेस ब्रिज रखा जाए। उस दौर में इसका नाम रखा गया था। तो इस पुल ने बहुत बहुत बड़े सैलाब देखे हैं इस दरिया में, और ये बहुत बड़ी कहानी और बहुत बड़ा ये तारीख इसने अपने दिल में छुपाई हुई है। और ये पुल जो है यहाँ से हमें जॉइंट करता है ज़िला, उस साइड पे ज़िला लुधरा हो जाता है, और पुल क्रॉस करें तो ज़िला बहावलपुर हो जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन्स की ट्रांसपोर्टेशन का बहुत वसी जो है निज़ाम होता है। किसी भी मुल्क के जो पुल होते हैं इस तरह के, जो पुल जो पूरे मुल्क को दूसरे शहरों से मिलाते हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इस तरह की पुलों को आबाद रखे। दोस्तों ये जो तारीखी पुल आप देख रहे हैं दरिया सतलुज का, इम्प्रेस ब्रिज के नाम से जाना जाता है, उसके साथ ये मुल्ही का बंजर छोटा सा एरिया है, ये आप देखें नीचे बिल्कुल जो है बंजर दरिया सतलुज का एरिया, और जहाँ पर कोई इस किस्म की जो है ना फसलें हैं, ना कोई आबादी है, ना कोई बंदा है, सिर्फ पुल ही नज़र आ रहा है। जी दोस्तों, ये था हमारा आज का ये छोटा सा इंफॉर्मेटिव और क्रिएटिव व्लॉग, जिसमें मैंने आपको दिखाया है जी एम्प्रेस ब्रिज, सतलुज रिवर, और उसकी पूरी जानकारी आपको बताई है, पूरी हिस्ट्री बताई है कि किस जो है वाइसराय ने इसको बनाया था, इसके बनाने के जो दौरान जो है क्या क्या चीज़ें रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ था,
और दो सैड इंसिडेंट जो मैंने इस पुल के बारे में बताए हैं जो इसकी बनावट के दौरान हुए थे। एक तो वो 40 जो मज़दूर थे वो बेचारे यहाँ डूबे थे और वो अपनी जान का नजराना उस पुल में की तामीर में उन्होंने पेश किया था। और दूसरा इंसिडेंट जो 12 फरवरी 1878 को हुआ था, और जब यहाँ पर एक अचानक सैलाब आया था और ये पुल का जो जितना भी काम हो रहा था वो सारा काम में वो पानी की नज़र हो गया था और सैलाब में सब कुछ बह गया था। दोस्तों ये पुल जो है तारीख़ी हैसियत के हामिल होते हैं। इस तरह की कोई भी पुल हैं, कोई भी तारीख़ी मकामात हैं, तो उनकी हमें एज ए पाकिस्तानी हमें उनकी हिफाजत करनी चाहिए। और इस तरह के जो पुल हैं उनकी जो है पूरी हमें हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए कि इन पुलों में ये किसने बनाया था पुल, या पाकिस्तान में जो मीनार पाकिस्तान बना है इसमें किन लोगों ने काम किया था। तो ये देखें अभी एक ट्रेन भी आ रही है, ये आप देख सकते हैं पुल के अंदर से अभी क्रॉस हो एसेट्स हैं इस तरह के, हमें उनका ख्याल करना चाहिए, हमें उनकी पूरी मालूमात होनी चाहिए कि यार ये चीज़ जो बनाई गई है ये किसने बनाई होगी। गूगल पे हर चीज़ मौजूद है, आप रिसर्च करें देखें हर चीज़ तो आपको पता चलेगा। ये बहावलपुर की जितनी भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, कोई प्लेसेस हैं, कोई और मकामात हैं, तो मैं आपको उनके बारे में वक्तन फ़क्तन बताते रहता हूँ, मज़ीद भी बताता रहूँगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आज का ये सतलुज रिवर का इम्प्रेस ब्रिज का व्लॉग आपको कैसा लगा है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाज़त शफीक गुल को, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।